श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 भगवत ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उस जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जान। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, जल में स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की आग सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणाती तथा अविनाशी को नहीं जानता। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति भाव में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा से तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को जाते हैं।
बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंत रंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा से तत्पर होते हैं। जो जरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वह दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर की भक्ति पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। बोलो श्री हरि, भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद्